मेरा क्वेश्चन ये है, समटाइम्स हम जब किसी रिलेशनशिप में या इमोशनल समथिंग किसी में भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की डिफरेंसेस हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन में और कॉन्शियस माइंड में हमें लग रहा है कि डर लग रहा है कि अगर कुछ और हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। अब क्या हुआ कि उसको इतना ज़्यादा हम होल्ड कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो हमें फील होने लग जाता है, और उसकी वजह से कि और जो जिन चीज़ों का डर था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे वो हो नहीं रहे, हमें फील हो रहा है कि शायद वो हो रहे हैं, उसकी वजह से और फंसे जा रहे हैं उस प्रॉब्लम में। तो जैसे कि ख़त्म करना है उसको सबकॉन्शियस लेवल पे, कि सोचना ही नहीं है या फिर हमें इफेक्ट ना करे वो चीज़ ज़्यादा। द मोमेंट यू से सोचना ही नहीं है, तो वो सोच और पावरफुल होती चली जाएगी, क्योंकि ये सोचना ही नहीं है आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आप उस सोच से डर रहे हो, समझ गए। देन यू विल ट्राई टू एस्केप इट, द मोर यू आर ट्राइंग टू एस्केप इट उतना ही वो आपके पीछे उतनी ज़्यादा पावर के साथ आएगा। तो अब क्या करें? इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड किसी तरह के कुछ डर होते हैं हमारे माइंड में, और वो डर रियल नहीं है, हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो गया तो ये होगा, लेकिन उसको इतनी बार हमने सोच लिया क्या वो लाइन ही बीच की हट गई है कि हुआ तो और वो एक्चुअल में हो रहा है। कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर एक डर आ गया कि मुझे निकाल दिया तो पता नहीं क्या होगा, एक्चुअल में नहीं निकालने वाले हैं, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका प्लान ये है कि भैया इसको तो जब तक इसके बाल सफ़ेद नहीं हो जाते या बाल सफ़ेद होने के बाद भी झड़ नहीं जाते पूरे तरीके से, तब तक इसको नहीं जाने देंगे। लेकिन आपके माइंड में क्या बैठ गया कि मुझे निकालना थे। मतलब दो रियालिटीज यहाँ पे खड़ी हो चुकी, एक रियालिटी क्या है जो एक्चुअल में फैक्ट है कि वो आपको निकालने के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, दूसरी रियालिटी क्या है कि आप कल निकलने वाले हो। आपकी एक वीडियो में भी था कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो आपको क्या सोचना चाहिए, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज एन इल्यूजन। तो इल्यूजन आर समथिंग जो आपके बिलीव्स पे बेस्ड है, और रियलिटी इज जो है। तो हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या, एक तरह का एक सपना आप देख रहे हो, तो सपने की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी पे, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वैसा हो रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा सपने के टाइम हो रहा होता है। सपने में चाहे एक मगरमच्छ आकर के आपको खाए, चाहे असली में एक मगरमच्छ आकर के आपको खाए, डर बराबर लगता है या अलग अलग लगता है? बराबर लगता है। चाहे सपने में छत से गिरो चाहे एक्चुअल में गिरो, दिल की धड़कन दोनों केस में रुक जाती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसके बीच के फर्क को हम कैसे समझें? शुरुआत पता है कहां से करो? एवरीथिंग वट एवर इज देयर हियर, अंदर कुछ है आपके, क्या क्या है अंदर? आपकी मेमोरी नाम की एक चीज है, उस मेमोरी में क्या क्या पड़ा हुआ है, कितने तरह के डर पड़े हुए हैं, कितने तरह के वहम पड़े हुए हैं, कितने तरह के अंधविश्वास पड़े हुए हैं कि ये करने से वो हो जाता है, वो करने से ये हो जाता है, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तरह के डर है ना हमारे अंदर, बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना, वो सब किससे कनेक्टेड है? मेमोरी से ही तो कनेक्टेड है। जिसको आप माइंड बोलते हो, वो माइंड मेमोरी के बिना कहाँ है? माइंड अगर मेमोरी हटा दूं तो माइंड कहाँ है, थॉट कहाँ है? अगर मेमोरी नहीं है और मुझे देख रहे हो तो क्या कोई थॉट आएगा? ध्यान से समझो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इफ यू गाइज एक्चुअली वॉन्ट टू लिव इन रियालिटी, रियालिटी मतलब टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, टू बी फ्री फ्रॉम थॉट्स, टू बी फ्री फ्रॉम माइंड। माइंड इज गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल, बट यू विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ऐसा कैसे होता है? इसका पहला स्टेप क्या है? जो भी कुछ अंदर पड़ा हुआ है सब बकवास है, यहां से शुरू करो। है हिम्मत? बहुत कम लोगों में होती है हिम्मत। क्या क्या मान रखा है अपने अंदर, पकड़ा हुआ है नहीं पकड़ा हुआ है? बहुत कुछ। yes, sir. रिलीजन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या नैरो बिलीफ्स बने पड़े हैं। बिलीफ्स आर ऑलवेज नैरो। तो अगर आप इस सच को देख लो कि जो भी अंदर पड़ा हुआ है दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, अब यहां से शुरुआत हो जाएगी रियलिटी को देखने की। सर अगर हम चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि हाँ ये चीज ऐसी ही है, सपोज कि किसी की डेथ हो चुकी है, तो हम ये मान लें कि हाँ वो इंसान नहीं है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो नहीं है, तो यहाँ से चीजें, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। वो माइक देना, माइक देना इनको। जैसे हमें पता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं नहीं ये तो सच नहीं है, जबकि पता है कि वो सच है, वो रियलिटी यही है। देखो ध्यान से समझना, अभी इन्होंने एक बात बोली
कि बहुत बार हमको पता होता है कि रियलिटी क्या है। क्या आपको पता है कि रियलिटी क्या है? पहले तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। एक साइंटिफिक माइंड क्या होता है, इट नेवर स्टार्ट्स विद कि मुझे पता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन कि मुझे नहीं पता है। अब आपने एक और एग्जांपल दिया कि भाई किसी की डेथ हो गई है, तो हम एक्सेप्ट कर लें कि उसकी डेथ हो गई है। ये बिलीफ है, रियलिटी है? रियलिटी है ये। हो सकता है आपका बिलीफ हो। देख लो मैंने अभी क्या बोला कि जो भी अंदर पड़ा हुआ है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। हो सकता है डेथ नाम की चीज इस दुनिया में हो ही ना, हो सकता है कोई मर ही ना सकता हो, हो सकता है मौत एक बिलीफ हो। इन रियलिटी देयर इज नो डेथ। तो अगर वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो तो वहां से पॉसिबिलिटी ओपन अप हो जाती है सच को जानने की या रियलिटी तक पहुंचने की। एक भूत आपके माइंड में सच है तब तक ही तो उससे डर सकते हो। अगर भूत है ही नहीं उससे कैसे डरोगे? यहां पर भूत है ही नहीं, डर के दिखाओ। है कोई तरीका डरने का? कोई होगा फुद्दू अभी भी डर जाएगा। नहीं नहीं कह रहे हैं कुछ था, मेरे को दिखा था एकदम से, मैंने हाथ हिलाया एक एनर्जी यहां से ऐसे गई, कुछ था यहां पर। इल्यूजन कहो, वहम कहो, गलतफहमी कहो, तब तक ही ये आपको तंग कर सकते हैं जब तक इसको आपने पकड़ा हुआ है, जब तक ये सब सच है आपके लिए। जैसे इसके सच को आपने देख लिया कि ये झूठ है, डर खत्म। अभी सबसे बड़े डर की बात करते हैं ना, मौत। कि वो मर जाता है, क्या मरता है? शरीर। तो आत्मा मरती है, शरीर मरता है। एक्चुअल में कुछ नहीं मरता है, कुछ नहीं मर सकता है। ये मेरी आंखों में देख लो, मैं सच कह रहा हूं या ऐसी बकवास कर रहा हूं, कुछ देख करके बोल रहा हूं। मौत पॉसिबल ही नहीं है, कोई चाहे भी तो वो नहीं मर सकता है। अब कैसा डर लगाओ दिमाग, इससे रिलेटेड जो भी डर है कहां है गए? अभी हमने बात करी सबसे बड़े डर की और सबसे बड़े झूठ की, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सच है। जब कोई मरता है तो वहां पे जाकर के देखो लोग कैसे कैसे डायलॉग मार रहे होते हैं, और जो आया वो तो जो आया। बातें हैं जी, दुनिया बातों में जीती है, रियलिटी तक तो कोई जाता ही नहीं है। तो इफ यू कैन सी इट एज अ फैक्ट, तो अब आपकी रियलिटी बदल गई। आपकी रियलिटी इस पूरी दुनिया की रियलिटी से बिल्कुल अलग है, तो आपकी दुनिया अलग है। तो डर को माइंड से निकालेंगे क्या? सेल्फ अवेयरनेस। अब देखो कितना मजा आया यहां पर। अभी आपने शायद सुना भी नहीं, इन्होंने कहा सर अब डर को अपने माइंड से निकालेंगे कैसे, पीछे से जवाब आया सेल्फ अवेयरनेस। अंकल को सब पता है। सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? बी पॉजिटिव। देखो एक और अंकल आए। और बोलो जी, और बोलो। समझ गए प्रॉब्लम की जड़? हमें सब कुछ पता है, तो जब आपको सब कुछ पता है तो कुछ भी और जानने की गुंजाइश ही नहीं है। और जो आपको पता है वही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। द मोमेंट देर इज अ क्वेश्चन, चाहे वो कोई और पूछे, चाहे आप खुद अपने आप से पूछो, यू ऑलरेडी हैव एन आंसर, एंड दैट आंसर इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दैट आंसर इज कमिंग फ्रॉम योर बिलीफ। बिलीफ इज द प्रॉब्लम। किसी को कुछ समझ आया मैंने बोला क्या है? कोई एक बताएगा, समअप करेगा मैंने अभी जो बात बोली है? एक माइक देना। We should have the courage to accept the reality, what is happening around, and what we need to do in the future. So we should have the courage to accept. And what is reality? How will we get to know about what is real and what is imaginary? So it depends on our thinking and state of mind that how we are doing and what the reality is exactly is. Reality तक पहुँचे कैसे? For example, ये जो अभी हमको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, अभी जैसे आप बाहर जाओगे दिन है, तो चमगादड़ के लिए ये रात है। तो क्या ये actual में दिन है या रात है? दिन है। वाह जी वाह, चमगादड़ ऐसा काटेगा, खून चूस जाएगा सारा का सारा, छोड़ेगा नहीं। दिन है, मैं बताता हूँ कहाँ दिन है। उसके लिए तो रात है, हमारे लिए दिन है। तो इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो दिन है, चमगादड़ के स्टैंड पॉइंट से, चमगादड़ ऐसी शक्ल को देखा, हाँ वो उनके
उधर से देखोगे तो रात है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा? क्यों भाई साहब ठीक कह रहा हूं ना? मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया इसीलिए, मैं क्या सोचने दो। समझ गए? Yes, तो क्या यहां से कुछ निकला या नहीं निकला? Sir, तो आर यू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर परसीविंग? ये ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट। देखो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। अब यही क्वेश्चन ही एक्चुअल इंटेलिजेंस है अंकल आंटीज। ये नहीं कि अपनी मेमोरी से कुछ भी बड़ 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 करते चले आ रहा। पॉजिटिव सोचो, मोटिवेटेड हो जाओ, मोटिवेटेड। अब ध्यान से समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। दिन रात वाले का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके आगे, आपके नहीं छोड़ो, मेरे आगे अगर यहां पर चमगादड़ की वो जो आंखें हैं, साइंस के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना उसको डेवलप करना, नाइट विजन कैमरास बोलते हैं। Yes. अगर यहां पर चमगादड़ की आंखें, मतलब कि वो नाइट विजन कैमरा लग जाए, तो अब मेरे लिए रियलिटी क्या है? रात है। तो क्या मैं वो इंस्ट्रूमेंट हूं जिसके थ्रू मैं देख रहा हूं, या मैं देखने वाला हूं? हम अपने आप को क्या समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट। मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो? मैं ये हूं जी, मेरा नाम पप्पू है। वो तो शक्ल से ही लग रहा है। आप कौन, शीशे में किसको देखते हो? इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो। अगर इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके आगे वो चमगादड़ की आंखें लगा दो और चमगादड़ों के आगे इंसान की आंखें लगा दो, तो अब सच क्या है? ऑपोजिट। पूरी दुनिया का सच बदल गया है। तो रियलिटी इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट, नथिंग एल्स। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप रियलिटी कह रहे हो। किसी को समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आई डोंट थिंक सो। किसी को एक्चुअल में आ रहा है तो हाथ ऊपर करो और बताओ मेरे को शॉर्ट में। हाँ, इनको देना माइक। सर, आपकी अष्टवक्र गीता वाली जो सीरीज थी उसकी 6-7 देखी थी, तो वही लग रहा है कि हम अलग हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो बॉडी है, अगर अभी की बात करें तो, मतलब जो भी हो रहा है तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा के ये देखो कि ये बॉडी के साथ हो रहा है या फिर मेरे साथ। तो इस बॉडी के लिए सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स का आसानी से सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। एक्सीलेंट, लेट्स गो बिहाइंड द पॉइंट। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है अनलिमिटेड, उसका सोल्यूशन कौन निकाल सकता है? कोई और या आप खुद? खुद निकाल क्यों नहीं पा रहे? अपने दोस्तों की लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो? निकाल लेते हो, वहां पर तो पूरे महाज्ञानी हो कि आपके पास कोई आ जाए उसको छोड़ोगे नहीं। तो आपको दूसरे की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, खुद की प्रॉब्लम्स में जाकर के अटक जाते हो, खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से रोते हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स की वजह से हंसते हो। दूसरों की प्रॉब्लम्स में हंसी नहीं आती है, जब भी फोन करके यार फिर से ब्रेकअप हो गया, अबे मतली तू तो ये मन में बोलते हो, और खुद का हो जाए तो देवदास बन जाते हो। इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर इस रियलिटी तक आप पहुंच जाओ जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या है कि आई एम परसीविंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, परसीविंग द वर्ल्ड, आई एम एक्टिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को बदला जा सकता है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आंखों को बदला जा सकता है, कानों को बदला जा सकता है, इसको पूरी तरह से बदला जा सकता है, बट आई एम द वन एक्टिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। I have the power to change this instrument. I have the power to do whatever I want through this instrument. This instrument is going to die. Die भी जिसको आप कहते हो वो भी technically गलत है. It can't die. It dissolves. ये जो body है, this is made up of water. This goes back into water. तो क्या मरा? पानी पानी में चला गया, क्या मरा? कुछ भी तो नहीं. तो if you can look at the reality as it is and then act in this world, then you are free to act. You are free from this mind, because mind is a part of this instrument. Mind is nothing but a software which is operating through this hardware. Samjhe? Software ko bhi badla ja sakta hai, hardware ko bhi badla ja sakta hai. Ye dono hi cheeze temporary hai. But I am the one acting through this. And I am immortal. Mujhe marne ka koi tarika nahi hai. Is instrument ko bachane ka koi tarika nahi hai.
इस तरह से जब आप जीते हो यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस. नाउ देयर इज नो फियर ऑफ एनी काइंड.